हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। जिलेवार हरियाणा जीके में आज हम पढ़ने वाले हैं सिरसा जिले के बारे में, ठीक है। इसकी ऑफिशियल साइट्स पर दो जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी देखेंगे और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में वो देखेंगे, ओके। तो शुरू करेंगे, उससे पहले जो बच्चे हरियाणा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से जो है आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं और ये सभी मॉक टेस्ट जो होंगे आपको नए सिलेबस पर, मीन्स जो भी एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है उस पर बेस्ड मिलेंगे। एक मॉक टेस्ट जो आपको फ्री मिलेगा, एक बार उसे देकर देखिए, फिर जो आप आगे खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सिरसा ज़िले की। तो सिरसा ज़िला जो था ये बना था 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला बना था हिसार जिले से अलग होकर, ठीक है। हिसार से अलग होकर बना था सिरसा। और अभी अगर बात करें तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा ज़िला है वो है सिरसा ज़िला। अब ये क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा है तो ऑब्वियस है इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो इसका क्षेत्रफल है 4,277 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे बड़ा है इसलिए पॉसिबिलिटी है इसकी पूछा जाए, ओके। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम जिले के नाम का इतिहास क्या है। सिरसा को उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थानों में से एक माना जाता है और इसका प्राचीन नाम जो था वो था साइर सेक, जो महाभारत में उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में मिलता है। थोड़ी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। महाभारत में साइर सेक को पश्चिम क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला वर्णन किया गया है। यह 5वीं सदी BC में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जैसा कि पाणिनि ने जो है उल्लेख किया है। तो ये माना जाता है कि इस पर बेस था, या फिर ये भी कहते हैं कि सिरसा का नाम जो था सिरसा शाश्वत ऋषि या शिशस के पेड़ के नाम पर पड़ा था। तो ये तीनों चारों जो भी इसके बारे में बातें की जाती है वो आपको पता होनी चाहिए। सिरसा शब्द जो था ये शाश्वत ऋषि और पेड़ के नाम पर भी कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन नाम इसका साइरशेक भी आ सकता है, ओके। इसके अलावा याद रखिए सिरसा को किस किस नाम से जानते हैं। सरस्वती नगरी के नाम से जाना जाता है सिरसा को। संतों की नगरी भी किसे कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। इसके अलावा वन नगरी कहते हैं और साहित्यिक नगरी, ये भी किसे कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है, ठीक है। इसके जो भी निक नेम है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगर हम बात करें मुख्य शहरों से दूरी की, तो दिल्ली से अगर सिरसा की दूरी देखी जाए तो वो है 255 किलोमीटर और चंडीगढ़ से बात की जाए तो वो है 280 किलोमीटर। दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कितनी दूर है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके पर्यटक स्थल की। तो सबसे पहले है सुरखाब। हरियाणा पर्यटन निगम की सुविधाएं वाला एक रेस्तरा का उद्घाटन जो था 1 नवंबर 1980 को हुआ। सबसे पहले तो सुरखाब का उद्घाटन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1980 को हुआ था। और ये जो भी होटल है रेस्तरा है ये दिल्ली से 259 किलोमीटर दूर दिल्ली डबवाली रोड पर 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब वहां पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है शिकारा आसाखेड़ा। ये 3 एकड़ के क्षेत्र में दिल्ली गंगानगर रोड पर दिल्ली से 326 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी जो है इनका डिस्टेंस दिया हुआ है तो पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो दे सकते हैं ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं काला तितर या अबूब शहर। ये जो है ये दिल्ली से 325 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। दिल्ली गंगानगर रोड पर 8.5 एकड़ में स्थित ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान सीमा के निकट राजस्थान नहर और भाखड़ा नहर के चौराहे पर स्थित है, ठीक है। तो काला तितर पूछा जाए, अबूब शहर पूछा जाए, कहाँ पर है, सिरसा में। फिर बात आती है धार्मिक स्थानों की। सबसे पहले है राधा स्वामी सत्संग घर सिकंदरपुर। सिकंदरपुर गाँव में एक विशाल सत्संग घर और यह सिरसा शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मार्च अप्रैल में एक बड़े सत्संग का हर महीने आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। एक स्थानीय सत्संग घर भी सिरसा शहर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है रामदेव मंदिर कागदना तहसील सिरसा। देखिए राजस्थान के संत की पूरे जिले में पूजा की जाती है। रामदेव के कई मंदिर हैं। सिरसा तहसील में कागदना में ये सबसे बड़ा मंदिर है। भक्तों की एक बड़ी संख्या जो है मंदिर में इनकी पूजा
करती है। आगे है बाबा रामदेव जी। रामदेव जी को राजस्थान के बीकानेर जिले में रुनीचा से जयपुर के तनवार राजपूत कबीले का सदस्य जो है माना जाता है। माना जाता है कि वे राजस्थान में भगवान कृष्ण के अवतार हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। उनके भक्त देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए रुनीचा का दौरा करते हैं। उनके पुरुष भक्तों को कामद के नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और महिलाओं को तालीसी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो सिरसा, डबवाली, कागदना, लुदेसर, एलानाबाद, रामपुरा और कुरंगवाली में है, ठीक है। नेक्स्ट है हनुमान मंदिर रामनगरिया। मंदिर शहर के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। जिला के सभी क्षेत्रों से लोग जो है प्रत्येक मंगलवार को इस मंदिर की यात्रा करते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह चोरमोर खेरा में, तहसील डबवाली। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरसा से 36 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह से संबंधित कहा जाता है कि जो एक रात के लिए यहाँ रहे थे, मतलब गुरु गोविंद सिंह जो थे यहाँ पे एक रात के लिए रुके थे। 8 एकड़ में फैला हुआ है। छोटा सा संग्रहालय और लाइब्रेरी और गुरुद्वारा में उच्च समारोह जो है आयोजित किए जाते हैं, ठीक। आगे है डेरा बाबा सारसाईनाथ। वेट एक मिनट, तो यहाँ पे डेरा बाबा सारसाईनाथ ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, तो सिरसा में है। हिसार गेट के बाहर स्थित मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में किया गया था। नाथ संप्रदाय के संत सरसाईनाथ द्वारा बनाया गया था, जो शिव के अनुयायी थे। यहाँ क्षेत्र के लोगों द्वारा उच्च समारोह जो है आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। भोज का एक शिलालेख जो है सिरसा में मिला था। यह रिकॉर्ड करता है कि पशुपति संप्रदाय के संत नीलकंठ ने एक स्वर्ण शिखर के साथ जले ईंटों और पत्थरों की मोटी स्लैब के बने योगीवर मंदिर का कोई अवशेष जो है यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। मूल सम्राट शाहजहां ने जो है यहाँ का दौरा किया था अपने बीमार बेटे के लिए, आशीर्वाद के लिए। सम्राट ने गुम्बद बना दी और मंदिर में जमीन जो थी दान दी। अरबी में एक दस्तावेज डेरा अधिकारियों के कब्जे में शाहजहां मंदिर की यात्रा के बारे में गवाही देता है। डेरा में शिव और दुर्गा के भी जो है मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट बस यही है कि डेरा बाबा सरसाईनाथ का है। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि मुगल सम्राट शाहजहां अपने बीमार बेटे के लिए आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ का दौरा किया था, तो डेरा बाबा सरसाईनाथ का दौरा किया था, ठीक है। फिर डेरा सूफी संत बाबा भूमान। प्रसिद्ध सूफी संत के डेरे जो खासकर कंबोज से संबंधित रखते थे, इन मालेल वाला गांव में स्थित है। हर साल संक्रांति के मौके पर जो है यहाँ पे मेला आयोजित होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। सूफी संत बाबा भूमान कहाँ है डेरा, तो ये भी सिरसा में है। जामा मस्जिद अटो में स्थित है। इसको 19वीं शताब्दी के करीब बनाया गया था। इसके 2 उच्च मीनार है जो शहर की देख सकते हैं। तो इनकी साइट पर सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी सिरसा के बारे में। कुछ और चीज़ें देखते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं। जो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है कि सिरसा जो था ये किस जिले से अलग होकर बना था। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, तो हिसार जिले से अलग होकर बना था। कब बना था सिरसा? 26 अगस्त 1975 को सिरसा हिसार से अलग होकर बना था। फिर सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो भी सिरसा ही है। और सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, एक ये क्वेश्चन आता है, तो 4277 किलोमीटर है, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। फिर पूछा जाए हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो भी किस जिले का है? वो भी सिरसा जिले का है। कितना है ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे, तो 303 है। लिंगानुपात की अगर बात की जाए 1000 पुरुष पर 896 महिलाएं, ठीक है। तो ये हो गए 4 से 5 मुख्य क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद आते हैं सर्वाधिक गेहूं और कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा गेहूं और कपास ये दोनों चीज पूछी जाए तो यहां कहां पर होता है सबसे ज्यादा उत्पादन? सिरसा में होता है, ठीक है। इसके अलावा पशुपति संप्रदाय से संबंधित जो अभिलेख मिले थे वो कहां से मिले थे? तो वो भी सिरसा से ही मिले थे। इसके अलावा एक आती है मंजियाना परियोजना। मंजियाना परियोजना ये भी क्या है? सिरसा की मंजियाना परियोजना जो है ये किससे रिलेटेड है? बागवानी से संबंधित है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम खुला शौच मुक्त जिला कौन सा है? वो भी सिरसा ही है।
और सिरसा हरियाणा का ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर हरियाणा का कोई जिला पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो वो है सिरसा, ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा पूछा जाता है, तो डेरा सच्चा सौदा ये तो सबको पता होगा सिरसा में है, बाबा सरसई नाथ का मंदिर सिरसा में है, ठीक है। गाय पालन में अगर प्रथम जिला पूछा जाए तो गाय पालन में भी प्रथम जिला कौन सा है, सिरसा है। रानिया का विद्रोह, रानियों कहाँ पर है, सिरसा में ही है। रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 में, जिसका नेतृत्व किया था जाबिद खान ने। ये क्वेश्चन आता है रानिया का विद्रोह का, तो ये याद रखिए जाबिद खान ने जो था इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। ओके, उसके अलावा चौधरी देवीलाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिरसा से, जो दो बार जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री जो थे बने थे, ठीक है। इसके अलावा अभय चौटाला हो गए, दुष्यंत चौटाला हो गए, अजय चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला है, ये कहाँ से हैं, सिरसा से ही है, चौटाला गांव, तो ये बिलोंग करते हैं वहाँ से, तो ये इम्पोर्टेंट है फेमस हस्ती में अगर पूछा जाए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सरदारा सिंह हॉकी के जो प्लेयर रहे हैं सरदारा सिंह, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिरसा से बिलोंग करते हैं। शंकर जादूगर एलानाबाद सिरसा से रिलेटेड है। अशोक तंवर ये भी कहाँ से हैं, सिरसा से हैं। सुनील ग्रोवर भी कहाँ से हैं, सिरसा के रहने वाले, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए राजा सारस का किला पूछा जा सकता है, और क्वेश्चंस देखते हैं। सारस का किला, राजा सारस का किला, ये भी कहाँ पर है, सिरसा में स्थित है। सरस्वती संग्रहालय पूछा जा सकता है, सरस्वती संग्रहालय जो भी है वो भी सिरसा में है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स ये भी कहाँ पर है, सिरसा जिले में स्थित है। सबसे अधिक फल और सब्जियां पूछी जाएं तो कहां पर होती हैं, सिरसा में होती है। साहा फूड पार्क पूछा जाता है, ये भी कहां पर है, डबवाली में है, सिरसा जिले में। ओके, सिरसा सबसे अधिक गोवंश वाला भी जिला माना जाता है। सिरसा जिले में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है दोमट और रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक। इसके अलावा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हमने पढ़ लिए, डेरा सच्चा सौदा हो गया, काला तित्तर हो गया, मेले पढ़े हमने, मेला सरसई नाथ लगता है, मेला डेरा सच्चा सौदा लगता है, बाबा भूमन शाह का मेला लगता है, भूमन शाह हमने पढ़ा था। सिरसा का एक प्रमुख विश्वविद्यालय भी आता है, पूछा जाता है, जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, देवीलाल जो थे वो सिरसा से हैं, तो जो इनका यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पर है, सिरसा में है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह स्टेडियम, ठीक है, शहीद भगत सिंह स्टेडियम पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिए शहीद भगत सिंह स्टेडियम जो है ये भी कहाँ पर है, सिरसा जिले में स्थित है, ठीक। और यहाँ के जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं वो हमने पढ़ लिए, एक चोरमार गुरुद्वारा पढ़ा हमने, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, ये जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक। तो ये था सिरसा जिले के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच।